दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अत्याचारी इक्वेशन की और उस अत्याचारी रॉकेट इक्वेशन से किस तरीके से कुछ इंसानों ने अपने बचाव का तरीका निकाला। दोस्तों मैं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं 1903 में जो एक बड़ी ही अत्याचारी रॉकेट इक्वेशन दी थी कॉन्स्टेंटिन शियोलकोस्की साहब ने, उन्हें बताया था कि किस तरीके से हम ईंधन को जलाकर फ्यूल को बर्न करके प्रोपेलेंट को इग्नाइट करके रॉकेट की मदद से कॉस्मोस की सैर कर सकते हैं। अब वो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन ने स्पेस रेस को जन्म दिया और उसके बाद तो सोवियत और अमेरिका ने एक होड़ लगा दी, लेकिन फिर भी उस इक्वेशन को अत्याचारी कहते हैं, टायरेनी है उस इक्वेशन की, उस इक्वेशन का खौफ है। क्यों? क्योंकि उस इक्वेशन के हिसाब से हमें जितनी एनर्जी चाहिए एक पेलोड को भेजने के लिए उनकी डेस्टिनेशन तक, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि रॉकेट के अंदर 85% से 90% तक का सारा मास फ्यूल का आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जब एक रॉकेट बना रहे हैं तो उस रॉकेट के अंदर जो सबसे बड़ा पेलोड है वो प्रोपेलेंट है। स्टारशिप 50 लाख किलो का लॉन्च व्हीकल है, लेकिन 46 लाख केजी उसके अंदर प्रोपेलेंट है, बचा कितना? 4 लाख किलो। उसके अंदर ढांचा भी आ गया और पेलोड भी आ गया, यानी जो सामान हमको लेके जाना है। तो अब ये देखो, अगर मुझे लेके जाना है 4000 किलो का एक स्पेस क्राफ्ट तो हमें LVM3 चाहिए। LVM3 जो है वो है 6,40,000 किलो का, तकरीबन 6.5 लाख किलो का। 6.5 लाख किलो का लॉन्च व्हीकल उड़ता है, धरती की ग्रेविटी को डिफीट करता है, तब जाकर हम एक जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलो की सेटेलाइट रख पाते हैं। अब हुआ क्या, हमने एक सेटेलाइट बनाई GSAT-20, वो है 4700 किलो की। LVM3 नहीं लेके जा सकता, उसको लेके जाएगा Falcon 9। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं, मुद्दा ये है कि इस सारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। तो हुआ ये कि कुछ रिसर्चर्स एंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम प्योरली काइनेटिक एनर्जी को यूज करें, हम केमिकल एनर्जी यूज ही ना करें, हम प्रोपेलेंट इग्नाइट ही ना करें, हम कुछ ऐसा बनाएं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो जरूरत ही ना पड़े। उनने क्या बोला कि क्यों ना किसी चीज को गोल घुमा घुमा के उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए कि हम उसको स्पिन लॉन्च कर दें, और इससे कंपनी का जन्म होता है स्पिन लॉन्च। अब सवाल ये उठा कि भाई आप ऐसा बात जो कर रहे हैं करने का, क्या ऐसा कभी हुआ है, किसी ने पहले सोचा क्यों नहीं अगर ऐसा था? तो दोस्तों अमेरिका में ही प्रोजेक्ट हार्प हुआ था, HARP, जहां पर उसका मकसद कुछ और था, लेकिन उनने बड़ी लंबी लंबी बंदूकें बना के 180 किलोमीटर ऊपर तक प्रोजेक्टाइल्स को, वो जो कुछ भी थी उनको पहुंचा दिया था। वो मिशन तो प्रोग्राम तो बंद हो गया, लेकिन उसने एक अपॉर्चुनिटी की विंडो खोली जहां पर यह भी सुझाव आया कि क्यों ना इसी तरीके से हम सैटेलाइट्स को फेंके, थ्रो करें काइनेटिक एनर्जी की मदद से। उन्होंने अपने आइडिया को शेप देनी चालू करी, और जैसे उन्होंने अपने आइडिया को शेप देनी चालू करी तो उन्हें कैलकुलेशंस करनी चालू करी, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशन तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसी कैलकुलेशंस और उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर नया कोर्स आने वाला है, मिड ऑफ जुलाई से चालू होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल कर लेना। उसके अलावा और भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेंगे, जहाँ पर निम्बस एजुकेशन की ऐप पर जो कोई भी कोर्सेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे क्वांटम के हों, चाहे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के हो, या ये आने वाले रॉकेट एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हों, सब मिल जाएंगे। तो जब उनने कैलकुलेशन करी तो दे फाउंड आउट कि हमें अगर एक 200 किलो की सैटेलाइट को फेंकना है जिससे कि वो ऑर्बिट तक पहुंचे, हमें 6 Mach यानी 6 times द स्पीड ऑफ साउंड की जरूरत होगी। ठीक है भाई, ओके, लाएंगे कैसे? हम एक बड़ा सा चैम्बर बनाएंगे, उसके अंदर 45 मीटर लंबी एक रोड होगी, वो जो आर्म होगी उसके एंड पे हम लगाएंगे एरो शेल। ये क्या है एरो शेल? उनने रॉकेट नाम नहीं दिया, उसने नाम दिया एरो शेल। क्यों? क्योंकि वो रॉकेट नहीं है ना, उसके अंदर इनिशियल फर्स्ट स्टेज में फायरिंग नहीं होगी, तो उनने एरो शेल नाम दिया। तकरीबन 10,000 किलो मान लो, ठीक है, तो 10,000 किलो का एक एरो शेल होगा जिसके अंदर 200 किलो की हमारी सेटेलाइट होगी। ठीक है, फिर हम उसको जोर जोर से घुमाएंगे, क्योंकि हमें कितनी स्पीड चाहिए? 6 times द स्पीड ऑफ साउंड। घुमाइए जोर जोर से,
इतना जोर से घुमाओगे तो वहां पर कुछ फिजिक्स की कैलकुलेशंस ने टेंशन दे दी। इतनी तेज घुमाने पे 45 मीटर की वो जो रोड होगी और वो जो 10 टन का आपने उसके ऊपर एंड में जो एरो शेल लगाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जब घूम रही होंगी तो उस स्पीड पे तकरीबन 10,000 गुना ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। इसका मतलब 1 किलो की चीज़ 10,000 किलो की लगेगी। अगर आपका ऑलरेडी 10,000 किलो का सामान बंधा हुआ है तो उसका वजन कैसा लगेगा? 10,000 का 10,000 गुना कैसे बनेगा? इतनी स्ट्रेंथ किस मटेरियल में लाओगे? तो वहां पर कुछ इनोवेशंस ने जन्म लिया एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। उनने सबसे पहले क्या करा, कार्बन रीइंफोर्स्ड फाइबर जो है उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चालू करे। एंड दे फाउंड आउट कि इसको यूज कर इस कार्बन रीइंफोर्स्ड फाइबर को यूज करके हम कुछ इंच की थिकनेस का अगर मटेरियल बना लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ न्यूटन के फोर्स को झेल जाता है, ये काम आ जाएगा। तो उनने बोला है, हम जो वो हमारी आर्म बनाएंगे उस आर्म को उन्हें टेथर नाम दिया, जिसके लास्ट में एरो एंड में एरोसोल लगेगा और एक साइड से बंधी हुई होगी जहां से वो घूमेगी, वो हम कार्बन फाइबर का बनाएंगे। वो एक ऐसा ढांचा बनने वाला है जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला ढांचा होगा। ऑब्वियसली 10,000 गुना ग्रेविटी को वो झेलेगा, ठीक है, लेकिन इतनी तेज अगर किसी चीज को आप घुमाएंगे, वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो हवा आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उससे कैसे बचेंगे? सुनने वाली बात तो सही है। तो उस बड़े चैम्बर के अंदर हमें वैक्यूम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वैक्यूम बनाने की बात होती है तो सीधा दिमाग में आता है, वैक्यूम बोले तो स्पेस वाला वैक्यूम, भाई वो तो बड़ा हार्ड होता है, वो तो इतना हार्ड होता है कि अगर स्पेस जैसा वैक्यूम अगर मैं बनाता हूँ इस स्टूडियो में और मैं एक अपने अंगूठे को टच करके छोड़ देता हूँ, तो वो वैक्यूम तो इतना हार्ड होता है कि वो जो एक फिंगरप्रिंट मैं छोड़ के आऊँगा उसको बॉइल ऑफ होने में ही बहुत लंबा समय लग जाएगा। और ऐसा वैक्यूम बनाने के लिए जो मुझे इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, धरती पर ऐसा वैक्यूम बनाना है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। देन दे रीडिड द कैलकुलेशन, उनको पता चला कि यार हमें कोई हार्ड वैक्यूम नहीं चाहिए, हमें तो इतना वैक्यूम मिल जाए कि धरती की जो एटमॉस्फेयर की वो जो हवा है उस चैम्बर की, वो इतनी पतली हो जाए कि हमें वो घुमाना आसान हो जाए, वो जो फ्रिक्शन ड्रैग जो लगेगा वो कम हो जाए, क्योंकि फिर हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इतनी तेज कोई चीज़ हवा में घूमेगी तो गर्म भी तो होगी, ठीक है। तो फिर तो हमें वैक्यूम नहीं चाहिए, उन्हें बोला हमें वैक्यूम नहीं चाहिए, हम तो मिलीबार का प्रेशर लेंगे। यानी ये मान लीजिए जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर पतला होता रहता है ना, तो हम ये कह सकते हैं हाई एटमॉस्फेरिक चैम्बर बनाएंगे। यानी एक ऐसा चैम्बर जैसा एटमॉस्फेयर हमें हायर एल्टीट्यूड पे मिलता है वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, वैक्यूम को भूल जाओ। चलिए बना लिया, उनने वो बना भी दिया। फिर अब जब आप किसी चीज को जोर से घुमा कर फेंक रहे हैं तो उस चैम्बर में तो रहेगी नहीं ना, वो चैम्बर से बाहर निकलेगी। यानी वो जो टेथर जिनने उसको बोला है, मैं जिसको आम बोल रहा हूँ, 45 मीटर की आम, वो बहुत तेज घूम रही है, किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है वो, ठीक है। और उसने उस 10,000 किलो के एरोशेल को रिलीज कर दिया। अब दो प्रॉब्लम है, एरोशेल रिलीज होगा तो वो कहीं तो बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो बाहर क्या है, वैक्यूम थोड़ी ना है, एटमॉस्फेयर है। एक प्रॉब्लम तो वो सोल्व करनी है। दूसरा, जब वो यहां से निकलेगा और आप किसी चीज को इतना तेज घुमा रहे हो, 6 मैक की स्पीड आपने अचीव करी है, तो अचानक से यहां से अगर कोई चीज कम हुई तो ये वाइब्रेशन होंगे, उससे तो पूरा ढांचा ही एक्सप्लोड हो जाएगा, ये तो दूसरा अत्याचार हो जाएगा। उनने कहा कि दोनों प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, लेकिन एक एक करके करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो जब हम उस रॉकेट को छोड़ेंगे तो वो जब एटमोस्फेयर में निकलेगा, उससे पहले तो वहां पे वैक्यूम है, तो एटमॉस्फेयर में निकलेगा मतलब कहीं ना कहीं से कोई ओपनिंग होगी। तो उन्होंने एक टनल बनाई, ट्यूब बनाई, उस ट्यूब से वो रॉकेट जब बाहर निकलेगा एरोशेल, तो वो जैसे ही बाहर निकलेगा वहां पर ऑटोमेटिक गेट्स हैं जो कि बंद कर दिए जाएंगे, जिससे कि अंदर का जो वैक्यूम है वो बाहर से एटमॉस्फेयर से आने वाली हवा उसको फिल ना कर दे। क्योंकि इनका प्रपोजल यह भी था कि हम एक दिन में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 लॉन्च करना चाहते हैं। तो एक बार वैक्यूम बना दिया तो हवा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हवा अंदर आ जाती है और हमारा वो जो आर्म है, टेथर जो है, वो इतनी तेज घूम रहा है, तबाही हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, वो बाहर निकला, आपने तुरंत गेट बंद कर दिए।
एक टनल है, इतनी बड़ी ट्यूब है मान लो, यहां से जैसे ही वो एरोशेल ऊपर उठा, ये गेट बंद, दूसरे गेट को उसने ऊपर एक माइलार शीट से, उनने गेट नहीं मिलाया था, माइलार शीट से कवर किया था, उसने उस शीट को फाड़ा, बाहर निकला, गेट बंद, चलो बंद, ठीक, एटमॉस्फेयर को अंदर नहीं आने दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम है ना, जब वो निकला तो वहां पर जो बैलेंस बिगड़ा उसके कारण जो तेज वाइब्रेशन होगा उसका क्या। अब उसके दो सॉल्यूशन उन्हें प्रपोज करे, एक सॉल्यूशन तो ये था, उन्होंने बोला भाई जितना वजन इधर है उतना ही वजन हम दूसरी साइड लगाएंगे, जैसे ये निकला वैसे ही हम उसको छोड़ देंगे। प्रॉब्लम, अगर ये एंड 6 मैक की स्पीड दे रहा है तो दूसरा एंड भी तो कुछ स्पीड पे घूम रहा होगा, भाई आप इस चीज को घुमा रहे हो तो इसकी भी तो कुछ स्पीड होगी, तो कहां छोड़ोगे, किधर जाएगा। तो उसके लिए उनने एक चैम्बर बनाया जिसके अंदर उस मास को छोड़ देते हैं, लेकिन वो चैम्बर ऐसा होगा जो उस वजन को झेल जाए, उस इंपैक्ट को झेल जाए। उनने बोला यार इससे भी बेटर एक सॉल्यूशन हो सकता है, स्पिन लॉन्च ने प्रपोज किया एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम इधर से एक रॉकेट छोड़ेंगे और फिर आधा इसका रोटेशन पूरा हो जाए, इधर भी एक रॉकेट होगा उसको भी छोड़ देंगे, आधा ही तो घूमना है, इतना झेल जाएगा सिस्टम हम ऐसे डिजाइन करेंगे। लेट्स सी वो क्या करते हैं। अब नई प्रॉब्लम आती है, वो क्या है, आपने रॉकेट छोड़ दिया, अंदर के वाइब्रेशंस को भी तो कैसे मैनेज किया, काउंटर वेट की हेल्प से मैनेज कर लिया, ठीक है, वैक्यूम को कैसे मैनेज किया, गेट लगा के बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने जो एरोशेल जो रॉकेट को छोड़ा है वो रॉकेट तो एटमॉस्फेयर में गया है ना, तो अब जब हम किसी चीज को एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं तो वहां पर उसका बैलिस्टिक कोफिशियंट काम आता है। बैलिस्टिक कोफिशियंट ये कहता है कि किसी भी चीज को जब हम फेंकते हैं तो कितनी दूर जाएगी, ये डिपेंड करती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे। अगर मेरे पास एक पंख है, मैं उसको फेंकूंगा तो बहुत दूर नहीं जाएगा, चाहे कितना ही जोर लगा लो, लेकिन पत्थर को फेंकूंगा तो दूर जाएगा, बुलेट भी दूर जाती है। उसी तरीके से डिजाइन रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो एरोशेल होगा उसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसको छोड़ के फेंकें वो काफी दूर तक जाए। अब वहां पर एक चीज जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो होती है ड्रैग कोफिशियंट। ड्रैग कोफिशियंट एटमॉस्फेयर का आता है, एटमॉस्फेयर में जब आप भागते हैं तो वो आप पे ड्रैग लगाता है, एक तरीके से आप पे उल्टा फोर्स लगता है जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाता है, आपकी स्पीड को कम कर देता है। तो जैसे ही उनने कैलकुलेशंस चालू करी तो दे फाउंड आउट कि यार जब स्पीड बहुत तेज होती है, 1 मैक 2 मैक यानी जब हाइपरसोनिक होते हैं, तो कोई भी चीज जब जा रही होती है तो उसका ड्रैग कोफिशियंट कम होने लगता है। का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर जो है वो रोकना तो चाह रहा है, लेकिन अगर आप इतनी तेज स्पीड में जा रहे हो, आप साउंड की स्पीड से भी तेज जा रहे हो, तो वो उतना नहीं होता जितना वो नॉर्मली होता है, उसे कम होने लगता है। दे फाउंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बोला क्यों नहीं काम करते हैं, हम तो 6 मैक पे जा रहे हैं, लेट्स जस्ट डू नथिंग, हम एटमॉस्फेयर को चीरते हुए निकलेंगे, हमें तो 15-20 सेकंड का टाइम चाहिए, इतने में हम पहुंच जाएंगे 72 किलोमीटर ऊपर और वहां पहुंच के हम फेयरिंग्स को हटा देंगे, इंजन को इग्नाइट करेंगे एंड विल गो टू द ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन 72 किलोमीटर तक जाने में वो 15-20 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, वो जो टाइम है, उसमें क्या होगा, क्योंकि आप जाओगे तो एटमॉस्फेयर से कुछ नहीं होगा, क्या होगा, होगा, आप इतनी तेज जाएंगे तो आप हीट जनरेट करेंगे, आपने अंदर तो वैक्यूम बना लिया था चैम्बर में, ठीक है, अब आप हीट जनरेट करेंगे। तो उनने बोला ठीक है, कैलकुलेशन करके देखते हैं कितनी हीट जनरेट होगी और कैसा मटेरियल हम यूज करें। दे फाउंड आउट ये ठीक है, हमारे पास जो रेगुलर मटेरियल अवेलेबल है, हम उसी से अगर पूरे ढांचे को बनाते हैं, थोड़ा मिक्स मैच करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स को मिलाते हैं, एल्यूमिनियम स्टील है, कार्बन फाइबर है, बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालते हैं, क्योंकि ये जो छोटा सा ड्यूरेशन है, इतने में जो हीट जनरेट होगी उसको तो हम रेडिएट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो हम पार निकल जाएंगे। देन दे डिजाइंड एवरीथिंग। तो उनने सारी एक 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 करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा, उनने वैक्यूम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनने स्पीड अटेन करने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सब करा। लास्ट में एक सवाल उनके सामने रख दिया गया कि भाई आप जब ये सब प्रोसेस कर रहे हैं तो सैटेलाइट उस वक्त आपके जो एरोशेल जो आपका छोटा सा मिनीचराइज्ड रॉकेट है उसके ऊपर ही तो बंधा हुआ है, तो जितने भी वाइब्रेशन, घूमना, झटके लगना, जो कुछ भी हो रहा है वो उसको भी तो झेलना पड़ेगा। तो स्पिन लॉन्च के लोगों ने जब इस चीज को गहराई से चेक करने की कोशिश की कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा इशू है, दे फाउंड आउट कि एनीवेज जब भी लॉन्च होता है तो वाइब्रेशनल लोड टेस्टिंग तो करी जाती है कंपोनेंट्स की, एंड दे डिड द सेम थिंग। उनने कुछ सेंसर्स को लिया, स्टार सेंसर्स वगैरह को लिया, और उनको उतनी ही हैवी लोड पे डाला
जितना हैवी लोड एक सैटेलाइट के कंपोनेंट को झेलना पड़ेगा जब ये सारा प्रोसेस किया जाएगा। एंड दे फाउंड आउट कि वो सारा प्रोसेस करने के बाद जब उस सेंसर को फिर से चेक किया, इट वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो कुल मिलाकर एक नई टेक्नोलॉजी, नाम है स्पिन लॉन्च, क्या करना चाहते हैं, प्योरली काइनेटिक एनर्जी को यूज करके सिर्फ एक रॉकेट को तेज तेज घुमाकर लॉन्च करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि 72 किलोमीटर तक की हाइट तक तो रॉकेट अपनी स्पीड से पहुंच जाए और वहां पर जाकर हम इंजन फायर करें। और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रॉकेट की अत्याचारी इक्वेशन से बचना है। वो इक्वेशन जिसने हमें रॉकेट साइंस दिया, रॉकेट टेक्नोलॉजी दिया, उस इक्वेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक रॉकेट को भेजने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज, सबसे भारी चीज चाहिए, वो रॉकेट नहीं, रॉकेट के अंदर का फ्यूल है, प्रोपेलेंट है, उसको कैसे कम किया जाए। ये सारा करके दोस्तों कमर्शियल मार्केट है स्पेस लॉन्च का, दे वॉन्ट टू कैप्चर द मार्केट, दे वॉन्ट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, कम करना चाहते हैं लॉन्च की कॉस्ट को, एक दिन में 5-10 लॉन्च करना चाहते हैं। लेट्स सी, अभी तक उनने कोई स्पेसिफिकली सैटेलाइट को लॉन्च किया नहीं है, जो भी फ्यूचर में आएगा तो पता चलेगा, बट देन द आइडिया इज डिफरेंट। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।